टू एड्रेस ऑल दीज कंसर्न्स कि तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, कब तक यू विल बी रेडी फॉर एक्चुअली गेटिंग अ जॉब ऑल्सो इन वेब थ्री वर्ल्ड. तुम वीडियोज जितने मर्जी देख सकते हो बट जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे खुद से हैंड्स ऑन, जब तक तुम कोड खुद नहीं लिख रहे, यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न मच. बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो लोगों के पास होती है कि वो बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं यूडेमी पे या फिर यूट्यूब वीडियोज खत्म कर देते हैं 10-10 घंटे की, बट स्टिल दे आर नॉट गुड डेवलपर्स. सो इफ यू गो अराउंड डेटा यू विल सी कि आई मीन इवन इन रिमोट केस यू हैव सैलरीज गोइंग अप टू 150-170,000 US. Hi guys, I'm Nishant, I'm a software engineer at Microsoft. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं blockchain development के बारे में. ठीक है, कैसे तुम पढ़ सकते हो, average salaries वगैरह क्या होती हैं, opportunities क्या हैं, and और भी काफी सारी चीजें. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, 2500 लाइक्स का एम करते हैं इस वाली वीडियो पे. एंड यू कैन कमेंट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ओपी कमेंट सेक्शन में जाके. अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ठीक है सर, आज की वीडियो में हमारे साथ है मेहुल मोहन. वो करंटली एक स्टार्टअप रन कर रहे हैं कोड डैम के नाम से एंड ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम बिट्स गोवा. तो उनके साथ ब्लॉकचेन रिलेटेड काफी ज्यादा बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है, तुम पढ़ कैसे सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सैलरीज वगैरह क्या होती हैं. सो उनका एक पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू निशांत. पहले तो मतलब इट्स अ स्पेशल वीडियो फॉर मी आल्सो बिकॉज हिंदी में मेरे वीडियोस बहुत कम करे हैं. जितना लोगों को पता है कि कोड डैम पे यूट्यूब चैनल पे इवन आउटसाइड कोड डैम आल्सो इंग्लिश वीडियोस ही होते हैं, तो हिंदी इज डेफिनेटली वो कनेक्टिंग एस्टैब्लिश हो जाता है. राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आज बात करते हैं अच्छे से अराउंड व्हाट वी आर डूइंग अराउंड ब्लॉकचेन, व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लॉकचेन वर्ल्ड एंड कैसे एक रेगुलर पर्सन, एक रेगुलर डेवलपर कैन गेट स्टार्टेड विद पूरा वो स्टैक ऑफ लर्निंग अबाउट वेब थ्री एंड सॉलिडिटी एंड एथेरियम एंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स. लेट्स डिस्कस. राइट, सो मैंने भी कॉलेज के टाइम में थोड़ा ब्लॉकचेन वगैरह किया था. मतलब मैंने एथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखने सीखे थे, मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे ब्लॉकचेन रिलेटेड. तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरे को भी है बट ऐसे बहुत डेप्थ में नहीं है. बट मेहुल को ज़्यादा आइडिया, तो उनसे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. तो पहला जो डाउट होता है कि ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या, तो मेहुल बताओगे थोड़ा? ब्लॉकचेन यार मतलब अगर हम सारा जो बजवर्ड्स हैं उसको हटा दे, सब निकाल दे, तो वेरी सिंपली स्पीकिंग जितने लोगों को यहाँ डेटाबेसिस का कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें पता है कि डेटाबेसिस में देयर आर फोर ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, क्रैड जो बोलते हैं हम. राइट, बट ब्लॉकचेन इन अ वे तुम सोच सकते हो इट्स इम्यूटेबल डेटाबेस, जहां पर एक बार तुमने कुछ लिख दिया देन इट इज देयर. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये इम्यूटेबिलिटी जो गारंटीड है दैट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड गारंटीड, दैट इज दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड इन अ वे कि तुम्हें कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर नहीं चाहिए फॉर गारंटिंग कि तुम्हारा डेटा म्यूटेट नहीं हुआ. दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट जिसपे ब्लॉकचेन एंड सब कुछ ही बेस्ड है इन अ वे कि दिस इज मोर लाइक अ ट्रस्टलेस चीज. यू डोंट हैव टू ट्रस्ट समवन फॉर द डेटा इंटेग्रिटी या फिर दैट नथिंग हैज बीन टैम्पर्ड विद. सो इसको सोचते ही सबसे पहले यूज केसेस फाइनेंसिस में आते हैं. दैट इज वाई बिटकॉइन इज वेरी पॉपुलर एंड ये सारे कॉइन्स पॉपुलर हैं. बट नाउ पीपल आर फिगरिंग आउट इसके यूज केसेस इन डिफरेंट एरियाज ऑल्सो. NFTs हो गया विच इज लाइक ओनरशिप वाला पार्ट, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेर यू can actually program ki wo database jo blockchain hai usse interaction kaise ho raha hai. So it's just another way of exposing kuch systems to the user, to the end user. Very fundamentally speaking jo humne discuss kara ki ye immutable database hi hai. Ab iske upar jo applications build ho rahe hai, how you get them in front of users, that is where developers come in. Ki got it, developing the interfaces and developing the infrastructure around ki how a non-technical person is able to make transactions and interact with these apps. यहाँ पर हमारा काम आता है. So actually blockchain में मतलब यही है कि nodes होते हैं और nodes एक दूसरे से connected होते हैं and nodes के अंदर जो hash generate होता है उनका वो previous node के data and कुछ और चीजों के साथ mix होता है. तो previous node को अगर तुम change करोगे तुम्हारा current भी automatically change हो जाएगा and पूरी block जो तुम्हारी पूरी chain है वो सारी break हो जाएगी. तो दिस इज द बेसिक लाइक कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्लॉकचेन कि तुम चेंज कर ही नहीं सकते. तुम एक नया अगर कुछ भी चीज ऐड करनी है तो उस लेजर में, मतलब ब्लॉकचेन में नया कुछ डेटा तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, पुराने वाले को तुम हिला ही नहीं सकते. तो इससे मतलब काफ़ी सारी एडवांटेजेस एंड काफ़ी सारे यूज केसेस आ जाते हैं. फाइनेंस जैसे क्रिप्टो करेंसी में तुम डाल सकते हो, तुम कोई भी अपना डेटा स्टोर करना है तुम्हें वहाँ पर डाल सकते हो. तो ये सारे चीज़ें हैं, इन पर तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बाद में बना सकते हो. अब मेहुल, वेब थ्री क्या है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेब 2.0? सो मोस्टली आई वुड से अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग it's not a fixed cheese. A lot of people claim a lot of things ki web3 ye hai, web3 wo hai. web3 in general what it will become is a lot of services that can be decentralized in a way jo matlab bhi centralized control mein hai, whether that is let's say file sharing for example, whether that is some sort of thing jo ki decentralized ho sakti hai, that will become decentralized eventually. That's the idea, but abhi bhi there is a long way to go in implementing a sub because
परफॉर्मेंस रीजंस की वजह से सेंट्रलाइज्ड आईपीएफएस स्टोरेज इज स्लो, एनएफटीज आर स्लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. दैट इज व्हाई मतलब वेब 3 इज समटाइम्स इंटरलिंक्ड विद ब्लॉकचेन एंड इथेरियम एंड ये जो लेवल 1 लेवल 2 चेन्स होते हैं. We call applications built on top of them as Web3 apps. But in general, Web3 and Web2 still work hand in hand in a lot of cases because तो मैं वो interfaces जो है front end develop, maybe React app जो develop करना है, जहाँ पर वो button click के पे MetaMask खुलेगा, तो all of that still happens on the Web2 world. So that is why it's not like Web3 बिल्कुल एक separate दुनिया है Web2 से, but it's more like a transition कि Web2 helps you connect to the Web3 world. ठीक है. एंड ये स्लो इसलिए हो जाती है क्योंकि यार तुम जब कोई एक हैश जनरेट कर रहे होता है ना, तो वो हैश जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है तुम्हें, तो इस वजह से जो जितने भी ऑपरेशन है तुम्हें हर चीज़ को हर ट्रांजेक्शन को डालना पड़ेगा ब्लॉकचेन पे, तो वो डालने में वहाँ से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. तो इसलिए भी मतलब अभी हर चीज़ में इसका यूज़ नहीं किया जा रहा बिकॉज टाइम इज़ मनी. मतलब फाइनेंस में भी अगर तुम्हें कोई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर उसका मतलब यूज़ नहीं रहेगा. ठीक है, मेहुल हमने बात कर ली वेब थ्री क्या है, हमारा ब्लॉकचेन क्या है, अब लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अगर हमें एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है, तो कौन सी टेक्नोलॉजीज या फिर कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह हमें सीखनी पड़ती हैं. मतलब रिक्वायरमेंट इन जनरल, तो इफ यू वांट टू डेवलप कुछ भी तो वो प्रोग्रामिंग वाला माइंडसेट यू हैव टू डेवलप इन अ वे जहां पर यू आर एबल टू ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स एंड तुम सोच पा रहे हो कि क्या करना है. अगर तुमने सोचा कि आई वांट टू क्रिएट एन एनएफटी, तो दिस इज लाइक अ बिग प्रॉब्लम. अब इसमें कैन यू थिंक कि व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इफ यू टॉक अबाउट थोड़ा सा टेक स्पेसिफिक चीजें, देन ऑफ कोर्स जैसे इफ यू आर डूइंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो यू नीड सर्टेन टेक्नोलॉजीज, अगर वेब डेव कर रहे हो तो यू नीड सर्टेन. तो सिमिलरली विद वेब 3 ऑल्सो देयर इज अ स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजीज विच यू कैन पिक एंड लर्न. इस केस में मोस्टली एप्लीकेशंस आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इथेरियम एंड इथेरियम के साथ इफ यू वांट टू प्रोग्राम द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज टुडे इन टुडेज टाइम इज सॉलिडिटी. सॉलिडिटी इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज जहां पर यू राइट दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. And when you write these contracts, this is just a program which helps you interact ek thoda sa in a way with the blockchain, which is Ethereum. And is contract ko likh ke you deploy it on the chain, which is more like a software, but for working with the database, which is the blockchain in this case. And Solidity around, then there are a lot of tooling, hard hat, truffle, writing test contracts, testing these contracts themselves. So, I mean, the ecosystem is around that, but main jo cheeze hai kuch kuch that is Solidity and Ethereum, EVM, ye wale tech stack hai which you have to learn. Okay, and like honestly speaking, मैंने Solidity पढ़ी थी, इतना ज़्यादा tough नहीं होता. अगर तुमने थोड़ी बहुत like कोई भी programming language करी हुई है तो classes जैसे तुम लिख रहे होते हो ना, काफ़ी similar सा ही होता है. तुम classes type की लिख रहे होते हो and it's not that tough. मतलब अगर तुम्हें कोई भी programming language आती है, थोड़ा बहुत तुमने DSA करा, थोड़ी बहुत तुमने development करी है, तो बहुत आराम से यू कैन शिफ्ट टू Solidity एंड ऑल. सो यार मेहुल, आप ये बताओ कि अब ये सारा हमने देख लिया कि पढ़ते क्या है, क्या पढ़ना है और मतलब काम क्या होता है, ब्लॉकचेन वगैरह क्या होती है, बट मेन जो पार्ट है कि पैसे कितने मिलते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम कर रहे होते हैं मेन गोल उसका वही होता है कि पैसे कमाने हैं सबको. तो बता सकते हो कि लाइक सैलरीज वगैरह कितनी होती हैं? ये मतलब काफी रनिंग जोक भी है अब ट्विटर पे, इफ यू गो टू द टेक ट्विटर एंड सी कि लोग पीपल हाइप अप ब्लॉकचेन वाला सैलरी वाला पार्ट एंड सो ऑन. बट हम ऑब्वियसली उसी से ही बोल सकते हैं जो हमारे पास भी डेटा है एंड व्हिच वी आर आल्सो सीइंग. तो आई हैव अ फ्यू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन दीज कंपनीज, तो उनसे भी मेरे को पता चलता है. बट द ट्रूथ इज इन फैक्ट कि आई मीन आई टेल यू अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन व्हाई सैलरीज आर वेरी हाई इन ब्लॉकचेन एंड वेब थ्री वर्ल्ड. अभी जो VCs वाला जो पार्ट है, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड द माइंडसेट अराउंड दीज एंजल इन्वेस्टर्स एंड जो पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये लोग दे आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी इन टू स्टार्टअप्स व्हिच आर वर्किंग इन द वेब थ्री वर्ल्ड, DAO वर्ल्ड, यू नो, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेब थ्री वाला पार्ट. तो व्हेन यू हैव इन कंपनीज के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा कैपिटल है दैट दे वॉन्ट टू हैव द बेस्ट पीपल, द बेस्ट टैलेंट on the Web3 part. And the problem with Web3 is ki yahan par best log chodo, talent bhi bahut kam hai because knowledge hi bahut kam hai abhi logon ko. So supply demand wali cheez hai, and that is why Web3 right now is one of the most highest paid option. That doesn't necessarily mean ki options bhi bahut zyada hai. It's not like ki web development ke comparison mein you will have 2x 3x Web3 jobs. Jobs hai, but which jobs jo hai jobs, that is also very highly paid. So if you go around data, you will see ki, I mean, even in remote case you have salaries going up to 150,000-170,000 US dollars, and this is completely normal in agar tum US mein dekh rahe ho ya fir
tier 1 countries mein dekh rahe ho, this is a normal salary range for Web3 developers. But a good part about Web3 also is that yahan par remote work is embraced a lot. It's still catching up in web development and mobile app and baki sare areas mein bhi, but Web3 is built on that decentralized wala part na, ki everything is decentralized and you don't have to be centralized somewhere located in a single location. So people and companies embrace ki even if you're applying from India ya fir Nigeria ya fir from any country, it doesn't matter as long as you're talented. You are eligible for those salaries, you are eligible for those tokens which these companies also give, apne cryptocurrencies ke tokens. So combining all of this, you will find stats jahan par people have gotten offers up to $1 million a year salary. So that is rare cases, but hota hai. But yeah, I mean, paisa bahut hai is field mein abhi to at least because of the supply demand cheese. It will keep on rising for some extent as long as jo VCs hai and the big guns who are putting in money in these companies which hire you as a developer. Okay. एंड वही सप्लाई डिमांड वाली चीज़ है. अब जैसे वेब डेवलपमेंट की जॉब्स बहुत सारी हैं बट लोग भी बहुत सारे हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जॉब्स बहुत सारी हैं बट लोग भी बहुत सारे हैं. सिमिलरली वेब डेवलपमेंट की मतलब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं है बट लोग उनसे भी कम है. सो द सैलरीज आर क्वाइट हाई. एंड लाइक कंपनीज में जैसे वेब डेवलपर्स या फिर इन जनरल मोबाइल डेवलपर्स काफ़ी होते हैं बट आई थिंक ब्लॉकचेन डेवलपर्स काफ़ी कम होते हैं. सो वही तो इसलिए मे बी सैलरीज आर दैट हाई. सो ठीक है मेहुल, अब हमने जान लिया ये सारी चीज़ें. अब ये बताओ कि लाइक वेब डेवलपमेंट नीडेड होती है एक ब्लॉकचेन डेवलपर को, क्योंकि फ्रंट एंड या फिर बैक एंड तो चलो डेटाबेस तो ब्लॉकचेन ही हो गया बट उसको कहीं प्रेजेंट तो हमें करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत शायद फ्रंट एंड वगैरह आना जरूरी है. इसके लिए फ्रंट एंड आना बिल्कुल जरूरी है बट नॉट टू द एक्सटेंट जहां पर यू नीड मास्टरी इन CSS एनिमेशंस या फिर टेफ टूलिंग. यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन हाउ टू डीबग की नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही है नहीं हो रही, बिकॉज़ इन अ लॉट ऑफ केसेस फ्रंट एंड इज रिक्वायर्ड फॉर शोइंग डेटा कि लोगों को पता हो कि क्या what systems they are interacting, but the rest of the connection, the rest of the cheeze are managed by a wallet like MetaMask for example. So you need a little bit of front end knowledge but you don't have to be bilkul expert nahi hona ki you are not a front end developer who is working with React and Vue and this and that. Bare minimum knowledge is fine, and advanced knowledge which you will need to work as a Web3 developer is ki wo jo solidity wali programming hai ki what is the cost of every operation, yeah, how you can minimize the cost and what is byte code which gets generated when you compile your code and kahan par kya factor affects your deployment and setting up security around smart contracts, because that is also like a very common theme these days ki contracts hi hack ho jate hain log ke and then because this is immutable then you cannot even do much about that. So developing information and knowledge around those areas is much more important than front end and web development in general, because wo you will be able to do anyway along the way. True. And like companies can hire a web developer for that, matlab unhe animation chahiye to wo le lenge kisi front end developer ko jo wo wali si cheeze kar dega. Theek hai Mehul, humne baat kar li blockchain development kya hota hai aur salaries wagera kya hote hain. Ab last cheez hai ki padhna kahan se hai, matlab ki blockchain development agar isi ko seekhni hai, solidity wagera seekhni hai to wo kya resources wagera follow kar sakte hain. So solidity and blockchain jaise humne discuss kara about ki kaise tumhe approach karna chahiye, programming fundamentals clear hone chahiye and you don't even need itna zyada front end development, mostly focus you have to be on the solidity programming itself. So to address all these concerns ki tumhe kahan se start karna chahiye, kitna badhna chahiye, kab tak you will be ready for actually getting a job also in web3 world, we are creating a web3 learning path code dam pe. Ab ek learning path kya hai, it's more like a collection of courses, collection of resources which hum hi jo develop kar rahe hain. It's not like ki we are pointing you to 50 github repositories, yahan se seekh lo wahan se seekh lo. It's an actual course, an actual interactive course jahan par you will be learning by building these smart contracts, deploying them on testnet jo hum provide kar rahe hain, not on mainnet. Testnet you will be able to deploy solidity contracts, see ki kaise compilation hota hai, EVM ke bare mein jo theory hota hai you will be able to learn. So we are doing this all of that in the web3 learning path, and iske first course mein you can get started with solidity and EVM, Ethereum, how everything works on CodeDAM. Okay, got it. But how is it different from free courses? Matlab hame Udemy pe kafi saste courses wagera mil jate hain, iske alawa hame YouTube pe kafi sare lectures mil rahe hain jo blockchain pe hain, solidity pe hain. So how is it different? So one of the things jo programming karte hue you would realize agar tumne bhi kisi ne bhi jahan par end user ne jo programming abhi kabhi try kari hai, that
तुम वीडियोस जितने मर्जी देख सकते हो, बट जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे खुद से हैंड्स ऑन, जब तक तुम कोड खुद नहीं लिख रहे, यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न मच. बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो लोगों के पास होती है कि वो बहुत सारे कोर्सेज खरीद लेते हैं यूडेमी पे या फिर यूट्यूब वीडियोस खत्म कर देते हैं 10-10 घंटे की, बट स्टिल दे आर नॉट गुड डेवलपर्स बिकॉज अदरवाइज सप्लाई डिमांड होता ही ना अगर फ्री कॉन्टेंट वॉज द आंसर. तो द वे कोड डैम के कोर्सेज आर कंस्ट्रक्टेड इज दैट इवन वेन यू अटेम्प्ट अ सॉलिडिटी कोर्स, यहाँ पर यू विल लर्न थोड़ा सा पार्ट अबाउट कि EVM क्या है, Ethereum क्या है, Solidity क्या है, एंड देन immediately यू हैव टू बिल्ड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो वी ब्रेक योर फ्लो, योर कम्फर्ट जोन वहाँ पर वेन यू आर लर्निंग, कि यू गेट कम्फर्टेबल थोड़ा सा, अच्छा आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये तो मेरे को समझ आ रहा है, तो यू जस्ट फास्ट फॉरवर्ड थिंग्स. बट द मोमेंट यू डू दैट, नेक्स्ट कोर्स आइटम माइट बी जहाँ पर तुम्हें एक्चुअली खुद कोड करना है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न वट एवर यू हैव लर्नड प्रीवियसली, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई दैट थिंक डायरेक्टली. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये सारा काम ब्राउजर में ही हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग, यू कैन इवन डू दिस ऑन द गो. अगर तुम कभी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एंड यू फील लाइक टाइम है एंड आई कैन लर्न समथिंग, तो यू कैन पिक अप द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोर्स, यू कैन यूज अ ब्राउजर, जस्ट वी विल गिव यू अ फुल लिनक्स एनवायरमेंट जहाँ पर यू विल बी एबल टू बिल्ड स्टफ, यही वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिप्लॉय इट, टेस्ट इट, बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. सो देर इज अ लॉट ऑफ एडिशन ओवर जस्ट अ सिंगल वीडियो कोर्स, कम्युनिटी वाला पार्ट एंड द प्रैक्टिस वाला पार्ट बींग द मोस्ट प्रोमिनेंट. बट अदर दैन दैट, इट्स जस्ट दैट की द लर्निंग पाथ विच यू ऑल्सो गेट, विच इज अ सेटिंग हाउ टू गो फ्रॉम 0 to 100 एंड देन ऑल्सो गेट अ जॉब इवेंचुअली, इज आई थिंक अ गुड USP विच एवरी पर्सन डिजर्व एंड एवरी पर्सन डिजर्व टू हैव. ग्रेट. सो मेहुल, कुछ मेरी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह है आपके लिए? वेल, अगर यहाँ तुमने बुलाया तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू विद दैट. सो वी आर रनिंग 80% ऑफ ऑन द फर्स्ट सॉलिडिटी वाला कोर्स. अगर तुम्हें Web3 एंड सॉलिडिटी के साथ इंटरेक्शन या फिर प्रोग्रामिंग वाला पार्ट स्टार्ट करना है, वेयर यू आर डेवलपिंग ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिप्लॉय कर रहे हो तुम Ethereum पे, टेस्टनेट पे, यू कैन साइन अप ऑन दिस डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट कोर्स. लिंक तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, एंड वहां से यू कैन गेट स्टार्टेड. अमेजिंग यार, 80% काफी ज्यादा डिस्काउंट होता है ऑनेस्टली. मतलब मेरे को तो लगता कोई ऐसे 80% डिस्काउंट ऑफर करता जस्ट फॉर यू. थैंक यू सो मच मेहुल फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करके. ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली एंड काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें. थैंक यू सो मच निशांत. ठीक है, सो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में. तुम्हें कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.